जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला फिरोजाबाद में, जहां एक भीषण दुर्घटना हो गई और दर्दनाक हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई। बता दें आपको कि इस दौरान सड़क पर ही बच्चा सकुशल रहा। थाना नारखी क्षेत्र गांव बरतरा के पास की ये घटना है, जहां बाइक से गिरते ही ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में पति को मामूली चोटें आई हैं, बल्कि उसकी गर्भवती पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी, पर महिला का गर्भ सुरक्षित बाहर आ गया। बता दें कि आगरा से अपने मायके जा रही महिला, जब ये भयंकर हादसा हुआ उस दौरान ये महिला आगरा से अपने मायके जा रही थी। हालांकि इस घटना से परिजनों में मातम का माहौल बना हुआ है। बच्चा सुरक्षित है। सावन की पहली बारिश ने कानपुर नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी और पूरा शहर जलमग्न हुआ, तो वहीं सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। नगर निगम की बारिश के लिए तैयारी के दावे पर सावन की पहली बारिश ने पानी फेर दिया। मौसम विभाग ने भीषण बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। भीषण बारिश से कानपुर के मरियमपुर रोड, विजयनगर, गल्ला मंडी, शास्त्री नगर, किदवई नगर, गोविंद नगर मार्केट, जूही खलवा पुल, सर्वोदय नगर, आरटीओ रोड समेत कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। भीषण बारिश से बिगड़े हालात पर एक नजर आप खुद देखिए। आज बहुत समय बाद पहली बारिश हुई, जो जिस तरह देख रहे हैं पहली बारिश के बाद किस तरह से नगर निगम की जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आई हैं। नगर निगम ने बारिश से पहले बहुत सारे इंतजाम करे थे, नाले सफाई को लेकर बहुत सारे इंतजाम करे थे, लेकिन वो जो जितने इंतजाम थे वो कहीं ना कहीं खाली नजर आ रहे हैं। चूंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह से जो बारिश है ये समझ में आ रही है कि किस तरह से नाले भरे हैं, और नाले की सफाई अगर सही से करी गई होती तो ये जो पांच जल भरा हुआ ये ना हुआ होता, जिसकी वजह से आज ये जाम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और लोग जो है इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इंतजाम पहले करे गए थे और अब जो इंतजाम करे जाएंगे वो किस तरह से करे जाएंगे, कि केवल जो भी कार्य हैं वो केवल और केवल कागज़ों में नाले की सफाई हुई थी या अब नाले की सफाई जो है सही से करी जाएगी। कैमरा पर्सन नीरज राजपूत के साथ प्रभात नागेंद्र त्रिवेदी, आर्या न्यूज, कानपुर। योगी सरकार द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि शहर में 24 घंटे बिजली और गांव क्षेत्र में 18 घंटे में बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन रायबरेली में ना तो 24 घंटे ना 18 घंटे, सिर्फ 6 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो रही। लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। बताते चले कि हरचंदपुर विद्युत उपकेंद्र से उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली आपूर्ति में निरंतर हो रही अघोषित विद्युत कटौती लो वोल्टेज से त्रस्त होकर राजपूत करनी सेना के लोगों ने डीएम कार्यालय आकर हरचंदपुर पावर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी समस्याएं बताई कि लो वोल्टेज के कारण हमारे क्षेत्र की समस्या बनी हुई है। और उन्होंने कहा कि जहां तक ये भी बात मान ली जाए कि अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के काम ना करने की वजह से ही इस बिजली की समस्या से हमें दो चार होना पड़ रहा। इसके पहले पूर्व ही आंदोलन की चेतावनी के बाद भी आज तक ये विद्युत समस्या बनी हुई है, जिसका निराकरण नहीं हो सका है। जिले में विशेष रूप से गांव में बिजली की समस्या के संदर्भ में यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया गया था, तो यहाँ पे हमारे सामने एससी साहब हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि रोस्टर के हिसाब से जिस भी जो ज्यादा प्रभावित गांव है वहाँ पे बिजली की आपूर्ति की जाएगी, ताकि अभी जो कृषि कार्य में किसी भी तरीके की बात। करणी सेना भारत का संरक्षक हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग हरचंदपुर से आए हैं। हमारे हरचंदपुर के जो निवासी हैं मोनू सिंह भदुरिया, जिलाध्यक्ष करणी सेना, उन्होंने 9 तारीख को लो वोल्टेज के कारण और अघोषित विद्युत कटौती के कारण वहां धरना दिया, जिसके जवाब में ये तानाशाह नौकरों ने आज तक वहां न जाकर के कोई बात सुनी, न किसी की कोई